तुम ना ये कागजात देखो और सपने देखो, बस यही दो काम रह गए हैं तुम्हारे पास। अरे वो चली गई वापस अपने ससुराल। क्यों? मेरा मतलब है कोई लेने आया था क्या? लेने कोई नहीं आने वाला, खुद से गई है। पहले उसका बच्चा वापस आया, अब वो खुद चली गई है। क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे डर कर गई है। मैं तुमसे? वो क्यों? मैंने कहा था कागजात पे दस्तखत करने के लिए और माँ के साइन करवाने के लिए भी जोर दिया था। मुझे लगता है मौका देखकर निकल गई है। नहीं, वो मौका देख के निकलने वालों में से नहीं है। उसकी माँ यहां है, इस बात का अंदाजा है उसे। तो फिर क्यों गई है? अरे इसी बात का तो पता चलाना है। मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है, बिरसा घर पे नहीं है और चाची भी अकेली है। सही मौका इनका काम तमाम कर देता हूँ। क्या कहा? काम तमाम? अरे ओ जाहिल इंसान, उसकी माँ यहाँ है इसीलिए थोड़ा बहुत डरती है वो। जिस दिन उसकी माँ न रही ना, उस दिन उसके डर का सामान भी समझो गया। इस बात को समझो, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करूं मैं? करना चाहता हूं तो रोक देती हो, ना करो तो ताने देती हो। देखो ये घर, ये जायदाद, ये कारोबार, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इससे आगे ना बाबा ना, मैं या तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी भी ऐसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते इसके बाद हम बुढ़ापे में दर बदर हो जाएं। अरे ये सब कुछ तुम्हारे बगैर हमारे किस काम का? अरे बेवकूफ, जब तुम ही नहीं रहोगे तो क्या करेंगे हम इस घर का? ये क्या भाभी, मैं तो समझ रही थी अब आप यहीं रहेंगी, पर आप तो जा रही हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है मम। भाभी आपका यहाँ रहना भी बहुत जरूरी है, प्लीज आप मेरी बात मान ले, हम साथ मिलकर रहते हुए सब ठीक कर लेंगे। हम पहले भी तो साथ रह के देख चुके हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और अब आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? फरमान ने धमकी दी है मुझे। उसने कहा है कि वो मोहल्ले की कमेटी के लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ शोर शराबा करेगा। इस बच्चे को नाजायज साबित करके वो मुझे बदनाम करेगा और पूरा उसने बंदोबस्त कर लिया हमें घर से निकलवाने का। लेकिन ये बच्चा नाजायज नहीं है, वकार भाई भी जानते हैं ये बात। फिर आपको उस फरमान से खौफजदा होने की क्या जरूरत है? मैं फरमान से नहीं डर रही, मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अगर वहां पे लोग इकट्ठे हो गए और ऐसे में अम्मी अकेली हुई तो वो परेशान हो जाएंगी। मुझे होना चाहिए उनके साथ। अच्छा चले ठीक है, पर आप अम्मी से तो मिल लें, वो आपके लिए परेशान होती रहती है और आपको याद करती रहती है हर वक्त। हाँ चलो उनसे मिलते। अच्छा चलें भाभी, आप अम्मी से तो मिल लें। यकीनन यहां आते हुए उस जादूगरनी को देखा है, उसका सहर तुम्हारी आंखों, तुम्हारे चेहरे पर वाजे महसूस हो रहा है। उसे तुमने बाहर क्यों नहीं निकाला? वकार मैं कुछ पूछ रही हूं। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता जूबी, प्लीज। मुझे अंदाजा था तुम्हारी नजर उसके मासूम चेहरे पे पड़ेगी तो तुम अपना आप तक भूल जाओगे। लेकिन एक बात बता दूं, वो लड़की फिर से इस घर में नहीं रह सकती, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर मुझे बताओ, तुम उसे निकाल रहे हो या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी बात मानोगी या नहीं?
अम्मी आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, मगर आप मुझे खुद बताएं अगर आप मेरी जगह होती तो। भाभी क्या हो गया, गुस्सा थूक दे। मैं कसम खा के कहती हूँ कि भाई अब भी आपसे प्यार करते हैं, वो अपनी जुबान से कहें या ना कहें, मगर आपके बिना तो वो एक मिनट भी कहीं चैन से नहीं रह सकते, है ना? ऐसा ही कुछ कहने वाली थी। पर मैं पूछती हूँ आप लोगों को चैन क्यों नहीं, जहां देखो मेरे खिलाफ सर जोड़ के बैठ जाती। जूबी तमीज से बात करो, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे खिलाफ सर जोड़ के बैठने की, और ना ही तुम इतनी अहम हो। अच्छा तो ये अहम है आपके लिए ये? जूबी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाभी के यहाँ रहने से? अगर कोई अगर मगर नहीं, मुझे ये किसी सूरत इस घर में कबूल नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है इस घर में वही होगा जो तुम्हें कबूल होगा? मैं अभी जिंदा हूँ समझी तुम? अच्छा तो आप ही फैसला सुना दे कि कब जा रही है यहाँ से। कहीं नहीं जा रही, ये यहीं रहेगी। अम्मी प्लीज मैं यहाँ नहीं। मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगी बस। अम्मी प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत लड़ें, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। और वैसे भी मैं क्यों रुकूं, जिसे रोकना चाहिए था वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। मैं भी मर नहीं रही उनकी शक्ल देखने के लिए। तो फिर जाओ यहाँ से, गुम करो अपनी शक्ल। क्या शोर मचाए हुआ यहाँ? आराम से भी हो सकती है ये बात। सबको आराम और सुकून मिल जाएगा, बस इसे यहाँ से निकालो अभी और इसी वक्त। ये कहीं नहीं जाएगी, विरसा यहीं इस घर में रहेगी। वकार मैं यहाँ नहीं। बस मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं इसी घर में रहोगी तुम। क्यों क्यों नहीं जाऊंगी मैं? क्योंकि मामा चाहती हैं कि तुम यहीं रहो। कभी मामा के लिए, कभी एमन, और कभी ऐसे किसी न किसी के लिए रुक जाओ, मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि यहां सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी शादी आपसे हुई है वकार, क्या आप करते हैं मुझसे मोहब्बत? जब आप मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते तो मेरे यहाँ रहने की कोई वजह ही नहीं बचती। हमारा रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ, तुम आज भी मेरी बीवी हो। मुझे उस रिश्ते की अहमियत और हैसियत महसूस नहीं होती, अब मैं नहीं रुकूंगी। वीर साहब आजी आपको बड़े साहब जी बुला रहे हैं।